आज हम क्लास सेवेंथ बिहार बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके ये सैंपल पेपर है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इससे आपका पैटर्न पता चल जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो इससे बहुत नॉलेज भी मिलेगा, इससे बहुत क्वेश्चन भी लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा आपको किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो करा चुका है, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट का वीडियो लिंक दिया हुआ है। आपका सभी सब्जेक्ट का वीडियो करा चुका हूँ, सब जाके देख लीजिएगा तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा, इससे आपको बहुत नंबर गेन हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप अपने एग्जाम अपडेट के लिए, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाएं। तो चलिए चिन्ह लगाते। पहला क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांक का गुणनफल होता है। तो दो धन पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा? मान लीजिए दो को धन पूर्णांक लेते हैं, प्लस में दोनों लेते हैं, पाँच गुना पाँच, पाँच पच्चे पच्चीस, प्लस में ही आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सात का योग प्रतिलोम माइनस सात है, ठीक। तो इसका योग क्या होगा? यानी कि सात को जोड़ना है प्लस माइनस सात को, ठीक। सात को जोड़ना है माइनस सात से, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? जीरो। इसका जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरा को आप कॉपी में उतार लीजिए, आप अच्छे से बना लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। इससे बहुत क्वेश्चन लड़ सकता भी है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 35 डिग्री है, 35 का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा? दो कोण है उसका योग है 90, क्योंकि समकोण का योग कितना होता है 90। एक 35 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो 35 माइनस 35, 90 माइनस 35 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो इसका घ नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मिलान चिन्ह इतना का मान है, इतना कितना लिखा होता है? ये 5, 10 और 4, 5, 10, 8, 14, तो ये 14 लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया है कि स्तंभ अ और स्तंभ ब के साथ सही का मिलान कीजिए। चलिए दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 5 मार्क्स का है, तो मिलान करते हैं। तो पहला वाला देख लीजिए, हम मिटरा हुआ तो ये छोड़ देते हैं, ठीक। दूसरा नंबर देख लीजिए क्या है कि साहचर्य गुना इसमें से चारों में से खोजना है कि साहचर्य गुना कौन है। तो साहचर्य गुना कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए घ नंबर में, दो का घ नंबर। संवरक नियम क्या हो जाएगा? दो का क्या हो जाएगा? दो का साहचर्य गुना कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे इसमें मार दीजिएगा, ठीक। दो का इसमें मार दीजिएगा और संवरक नियम में इसमें मार दीजिएगा ग में, ठीक। साहचर्य गुना ग में ही होगा, साहचर्य गुना ग में होगा और संवरक नियम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसमें क में मार दीजिए, ठीक। और अगला देखते हैं, चार नंबर तत्समक क्या हो जाएगा? तो ये जीरो वाला में हो जाएगा, ठीक, ख में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिटरा हुआ था तो दिक्कत कर रहा था, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए, ठीक। तो चलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? 1+2+3+4+5+5/5। एक 5 हुआ है तो 5 से विभाजित कर दीजिए, 15 आ जाएगा और बटा 5, 5 से इसको काटिएगा तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इतना और इतना में से सरल भिन्न का सरलतम रूप है, तो सरलतम कौन है? इसको 3 से काटिएगा तो 4 बार में, 3 से इसको काटिएगा तो 7 बार में, 4/7, तो 4/7 ना सरलतम रूप है, तो 4/7 लिख के मार के यहाँ 4/7 लिख दीजिए, ठीक। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेक्षणों के उच्चतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को कहा जाता है, तो इसको क्या परिसमन कहा जाता है, ठीक। अगला देखते हैं, यदि दो आयतों का लंबाई और चौड़ाई समान मापा जाए तो उसको क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक।
आगे देखते हैं, वो सर्वांशम हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा, सर्वांशम। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में लिखना है। ठीक, तो प्रश्न नंबर एक हमारा है कि किसी प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको परिसर कहा जाता है। ठीक, उसको सबसे अधिक बार आने वाला परिसर को क्या कहा, प्रेक्षण को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बारंबारता, उसको बहुलक कहा जाता है, उसको बहुलक कहा जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग माइनस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा क्या है, तो माइनस बी, माइनस यहाँ दो होगा, माइनस यहाँ आठ है, आठ है यहाँ, बी नहीं, माइनस आठ है, तो लिख दीजिए माइनस तीन और माइनस फाइव। ठीक, तो पहला कैंसर क्या, पहला कैंसर क्या हो गया था यहाँ पे, बारंबारता, पहला कैंसर होगा बारंबारता, बारंबारता। ठीक, और दूसरा का क्या हो गया यहाँ पे, दूसरा का माइनस तीन और माइनस फाइव। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, पाँच और पंद्रह के योग में अठारह से भाग देने का गणितीय रूप लिखिए। तो अठारह से भाग देने का गणितीय रूप लिखते हैं पाँच और पंद्रह के योग में। पाँच और पंद्रह का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाँच और पंद्रह बीस। ठीक, पाँच और पंद्रह बीस, और इसको कितना से भाग देना है, तो अठारह से भाग देना है, तो इसका गणितीय रूप लिखते हैं। चलिए, कटा चार से, दो से कटेगा तो दस और बटा नौ, तो इसके यहाँ पे लिख दीजिएगा दस बटा नौ। ठीक, अगला देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 होता है। ठीक, चलिए अब पचवां नंबर देखते हैं। पचवां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में के आधार पर बताइए कि क्या ये सर्वांशम है, तो इसको देखते हैं सर्वांशम है कि नहीं, इसका आंसर देखते हैं पचवां का। तो पचवां का देख लीजिए यहाँ पे, इसको पहले हम दो त्रिभुज ए बी डी और बी डी सी को अलग कर लिए, ए बी डी, ए बी और डी, ए बी और डी, और बी बी डी सी को अलग कर लिए, बीच में रेखा खींच दे, विकर्ण। ठीक, और देखिए कि ए बी बराबर है डी सी के, ए बी बराबर है डी सी के। ठीक, ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के। ठीक, और देखिए कि ए और सी बराबर है, ये वाला कोण और ये कोण बराबर है, तो भुजा 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 से हमारा ये दोनों सर्वांशम हो गया। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए माध्यक ज्ञात करते हैं, माध्यक ज्ञात करना है, तो देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी प्रश्नों का योग और सभी प्रश्नों की संख्या, तो सभी को जोड़ दीजिए और ये जितना संख्या है सबको लिख दीजिए नीचे, 15 संख्या तो 15, और सभी को जोड़ के 607 आएगा और नीचे 15, और इसको भाग दीजिएगा तो 40.5 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया सातवां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव और क्यों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आंसर पीछे दिखा देते हैं। त्रिभुज बनाने पर तीन शीर्ष बनेंगे, एक पासे को फेंकने पर सात आएगा, एक पासे को फेंकने पर सात आ सकता है कभी, त्रिभुज के शीर्ष तीन कोण होते हैं, सात नहीं आ सकेगा, एक सिक्के को उछालने पर चित्त और पत्र दोनों आएगा, दोनों कभी आ सकता है, कभी भी एक ही आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबका आंसर तीनों का, देख लीजिए यहाँ पे इसका होना निश्चित है, इसका होना निश्चित है क्योंकि शीर्ष तीन वो शीर्ष होगा तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक, अगला देखते हैं, इसका होना संभव है क्योंकि एक पासे में अधिक से अधिक 6 अंक तक होता है। ठीक, ये होना संभव है क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर एक ही हिस्सा आएगा, वह चाहे चित होगा या चाहे वह पट होगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर सरल कीजिए, इसको सरल करना है, आठवां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यह सरल करना है। ठीक, चलिए सरल करते हैं।
चलिए देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था। तो 5-4 पहले बाउंड्री का काम करेंगे तो 1 हो गया, और -6 + -6 इसको सेम उतार लिए, और ये -6 और इसको सेम उतार लिए, और इसको भाग देके इसको घटा दिए तो -1 आ गया, और -6 और -1 -7 हो गया। ठीक, चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कोणों के संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक ज्ञात करना है, ठीक। तो 110 के संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 110 के संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 180 में से 110 घटा दीजिएगा तो संपूरक कोण प्राप्त हो जाएगा 70। 75 के संपूरक कोण 180 में से घटा दीजिए तो 105 हो जाएगा। 135 को संपूरक कोण इसको घटा दीजिए तो 45। ठीक, अगला देख लीजिए, इसको हल करना है। दिखा देते हैं क्वेश्चन, पहले बीजीय व्यंजकों को इसको गुणा करना है, इसको हल कर देना है चारों को। चलिए चारों को हल कर देते हैं। पहला देख लीजिए, यहाँ पे 7a + 2b, a + 4b, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 7a² हो गया। 7a² इसको किए तो 7 × 28 ab, फिर हो गया ख़त्म इस तरफ। तो ये दो से 2a, 2ab, 4 × 8 b². अब देखिए यहाँ पे 7a² लिख देखा है कि इसका कास्ट, इसका जाति कहीं नहीं था, ये अकेले था, ये स्क्वायर कहीं नहीं लगा हुआ था, तो इसको अकेले लिख दिए। 28 × 2 30 भी हो गया, और 8 b² हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया ये गुना, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे ही इसको भी गुना कर दीजिए सबसे। ठीक, और फिर ये दोनों घट गया तो घटा दिए, देखिए यहाँ गलत है, यहाँ माइनस होगा। ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही सेम है, और इसको भी वैसे गुना कर दिए, लेकिन ये कहीं झूठा घटा कहीं नहीं, क्योंकि मैं एक्स है इसमें वाई है, देख लीजिएगा। 15 एक्स वाई हो गया, -5 × 40 एक्स, 8 × 45, और ये देख लीजिए -3 वाई, और ये -+8। ठीक, और बस कोई झूठा घटा नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देख लीजिए, a³ - b³ - a - b, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करने पर ए क्यू को ए से कीजिए तो a² - a³ b, ये देख लीजिएगा, गुना बहुत आसान है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो डाल चुका है, जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाले हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।